नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैथमेटिक्स में हम जो भी चीजें बता रहे हैं आप पूरी तरह से भरोसा करेंगे कि इससे बेहतरीन चीजें पूरे देश में अभी उपलब्ध नहीं है। पूरे देश का नंबर वन कॉन्सेप्ट है, यदि ना मर्जी हो ना विश्वास हो तो आप हमारी ट्रेनिंग क्लास के 6 टाइप में कम से कम एक टाइप वो भी पढ़ के देख लीजिए। आपका मैथमेटिक्स कितना भी कमजोर हो आपका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने ट्रेनिंग क्लास का सारे लिंक दिया हुआ है, आप शुरू की एक दो लिंक भी पढ़ के देख सकते हैं। दोस्तों ट्रेनिंग के 6 टाइप पढ़ने के बाद आज हम लोग 7वें टाइप पढ़ रहे हैं और 7वें टाइप ट्रेनिंग का अंतिम टाइप है जिसमें हम 2 क्लास ले सकते हैं। दोस्तों मैं अनअकैडमिक लर्निंग ऐप पे भी एजुकेटर हूं, वहां भी मैं बहुत सारे चैप्टर को डाल रहा हूं, वहां से भी आप मेरे लेक्चर्स को देख सकते हैं। दोस्तों ये ट्रेनिंग क्लास पूरी अरिथमेटिक्स की जान है। इस क्लास को पढ़ने के बाद आपका दिमाग हमारे दिमाग से कनेक्ट हो जाता है। जैसा मैं सोचता हूं और जैसा मैं आपसे सोचवाना चाहता हूं आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं और मैथमेटिक्स आपको आसान हो जाता है। मेरा दिल्ली में 5 साल पढ़ाने का अनुभव है। इसी ट्रेनिंग क्लास के बदौलत मैं दिल्ली में एक स्थापित टीचर हुआ हूं और इसी क्लास की बदौलत आप भी मुझे देख रहे हैं और इसी क्लास की बदौलत आप लाल बटन को दबाएंगे और फ्यूचर में भी इस क्लास को देखने के लिए बाध्य होंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं ट्रेनिंग क्लास का 7वां टाइप जिसका नाम है एलिगेशन। दोस्तों एलिगेशन पूरी मैथमेटिक्स में लगता है, पहले भी बता चुका हूं और खुद भी एक चैप्टर होता है। तो एक क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं, समझते हैं एलिगेशन क्या होता है। एलिगेशन 2 चीजों का मिश्रण होता है, 2 चीजों का एवरेज होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये आपके पापा हैं। पापा की खास बात है कि 80% एल्कोहल वाली शराब पीते हैं। एक ऐसा बोतल जिसमें 80% एल्कोहल हो और शेष जल हो, शेष सोडा हो, जो भी आप पीते हैं, 80% एल्कोहल है और बेटा के लिए अलाउ करते हैं कि आपको 35% एल्कोहल युक्त शराब पीना है। मतलब एक ऐसा बोतल जिसमें 35% एल्कोहल हो, शेष पानी हो। दोस्तों आप ही बताइए ये 35% कब तक पिएगा, बोर होगा या नहीं होगा? बोर होगा। एक दिन पापा की अनुपस्थिति में पापा अपने बोतल को इसके सामने ही छोड़ करके चले जाते हैं कहीं पे और इसका मन हो जाता है कि मैं आज अपनी शराब में एल्कोहल की मात्रा को बढ़ाऊंगा। दोस्तों उसके पास क्या विकल्प है? यदि वो 80% का शराब पीता है तो पापा को जानकारी हो जाएगी कि इसमें से शराब निकाला गया है और इसको पीते पीते इतना बोर हो गया है कि अब इसको पीने का मन नहीं है। यदि इसको पीता है तो उसको हो सकता है कि सुबह उठ ना पाए और बीमार पड़ जाए, तबीयत खराब हो जाए, सबको पता भी चल जाए। दोस्तों उसने क्या किया कि कुछ मात्रा में शराब इसमें से लिया और कुछ मात्रा में शराब इसमें से लिया और अपना स्वाद 55% रखना चाहता है, 55% रखना चाहता है। दोस्तों यदि 55% रखना चाहता है तो आपसे पूछेगा कि पापा के बोतल में से कितनी क्वांटिटी और खुद की बोतल में से कितनी क्वांटिटी लिया है, ये आपको बताना है। दोस्तों एलिगेशन ये और ये बोतल का एक एवरेज होता है, 2 चीजों को मिलाएंगे तो कभी भी 80% से ऊपर नहीं हो सकता है और कभी भी 35% से नीचे नहीं हो सकता है। 2 चीजों का एवरेज सदैव इसके बीच में ही रहेगा। इसका डिफरेंस हम लोग इधर लिख लेते हैं, 35 और 25 का डिफरेंस 20 होता है, 20 होता है और इसका डिफरेंस 25 होता है। दोस्तों आपको समझना है सिर्फ यहीं पे है, 5 × 20 5×5 = 25। ये 4:5 को ही आपको ध्यान से समझना है, 4:5 को पढ़ते कैसे? दोस्तों इस बोतल में से 4 ढक्कन क्वांटिटी इसमें डालेगा, 4 ढक्कन, तो इस बोतल में से, इस कंटेनर में से 5 ढक्कन इसमें डालेगा
तो उसका जो स्वाद बनेगा वो 55% बनेगा। इसमें से 4 गिलास निकाल कर इसमें डालेगा तो इसमें से 5 गिलास इसमें डालेगा तो उसका स्वाद 55% हो जाएगा। और यही आपसे पूछता है कि किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण 55% हो जाए। तो इधर का गैप इधर करते हैं और इधर का गैप इधर करते हैं, डिफरेंस देखते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, ये 4:5 हो गया, ये 55 है किसके करीब, इसके करीब है या 55 इसके करीब है? दोस्तों 55 इसके करीब है, यानी कि 35 के आसपास वाली जो सामग्री होगी, जो मिश्रण लेंगे उसमें से ज्यादा लेंगे और इसमें से थोड़ा, 55 थोड़ा 80 से क्या है, दूरी पे है, तो इसमें से क्वांटिटी कम निकलेगा। तो दो चीजों को मिलाते हैं तो एक नया एवरेज बनता है और ये जो आता है क्वांटिटी का अनुपात आता है, ठीक है। इस एलिगेशन का महत्व हर चैप्टर में, अरिथमेटिक्स के हर चैप्टर में, एक दो चैप्टर को छोड़ करके हर चैप्टर में यूज होता है। तो आइए हम लोग एक छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एलिगेशन समझ में आ गया होगा कि दो चीजों का मिश्रण होता है और ये क्वांटिटी का अनुपात होता है, ये और ये बिल्कुल सेम यूनिट में होना चाहिए, तो ये सेम यूनिट आता है। दोस्तों आप ध्यान से देखिए, आपकी आयु 70 साल है और आपका वजन 45 किलोग्राम है, इसका एवरेज निकलता है क्या? नहीं निकलेगा। उसी प्रकार से ये जो होता है इसका और इसका एवरेज होता है, तो ये और ये और ये सेम यूनिट में होना चाहिए। लिखे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 42 रुपया प्रति किलोग्राम की चाय 60 रुपया प्रति किलोग्राम चाय के साथ किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण का भाव 50 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। ध्यान से देखिए दोस्तों, 42 रुपया प्रति किलोग्राम की चाय है, ये है आपका 60 रुपया प्रति किलोग्राम की चाय है। यदि मिलाएंगे, यदि मान लीजिए आप दुकानदार हैं और दो किस्म की चाय को लेकर के मंडी में पहुंच गए हैं, बेचने के लिए पहुंच गए हैं, ये वाली चाय सस्ता होने की वजह से धड़ाधड़ बिक रही है, महंगी होने की वजह से ये बिक नहीं पा रही है और आपको बेच करके घर आना है, दोस्तों आपको क्या करना होगा? ये बिक नहीं रहेंगे तो इसको घर लेके जाएंगे, या आपके पास ऑप्शन बचता है कि दोनों को मिला करके थोड़ा भाव 50 और 60 का एवरेज, मतलब 20 में ही कहीं ले लेंगे, ठीक है। सस्ती होने की वजह से बिक रही है, महंगी होने की वजह से बिक रही है, दो चीजों को मिला करके आप कभी भी 60 से ऊपर करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि बिकेगा ही नहीं। 42 से नीचे करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आपको नुकसान हो जाएगा। यदि 50 करना चाहते हैं, 50, तो आपसे पूछेगा कि किस अनुपात में क्वांटिटी मिलाना होगा। दोस्तों इधर का डिफरेंस इधर और इधर का डिफरेंस इधर, अब इसको पढ़ने का तरीका सीख लीजिए, 5:4। मतलब है कि यदि वो 50 रुपया प्रति किलोग्राम मिश्रण करना चाहता है तो इसमें से लेना होगा 5 किलोग्राम, तो इसमें से निकालना होगा 4 किलोग्राम, इसमें से लेना होगा 5 ट्रक, तो इसमें से लेना होगा 4 ट्रक, इसमें से लेना होगा 5 किलोग्राम, तो इसमें से लेना होगा 4 किलोग्राम, इसमें से 5 ट्रैक्टर, तो इसमें से 4 ट्रैक्टर क्वांटिटी मिलाना होगा। दोस्तों समझिए ये हम क्या समझाना चाहते हैं। दोस्तों यदि 42 रुपया प्रति किलोग्राम की चाय आप 5 किलो लेंगे तो 42 के भाव से 5 किलो आपको कितना पैसा मिलने वाला है? 5 × 2 = 10, 5 × 20 और 1 = 21, 210 रुपये मिलने वाला है। 60 के भाव से 4 किलो मिलाएंगे तो आपको कितना मिलने वाला है? आपको मिलने वाला है 240 रुपया, यानी कि आप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आपको 450 रुपया
मिलेगा यदि 42 के भाव से 5 किलो बेचते हैं और 60 के भाव से 4 किलो बेचते हैं, तो उम्मीद लगा के गए हैं कि इतना मिलेगा। यदि सारी क्वांटिटी 5 किलो, 4 किलो, 9 किलो आप 50 के भाव से बेच देते हैं तो आपका क्या नुकसान हुआ? आपका सामान भी बिक गया और आपको पैसे जितने उम्मीद लगा के गए थे उतना ही मिला। समझ में आया है? तो एलिगेशन से ये क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, चाय चाय, तो ये चाय का भाव निकला है। एलिगेशन हर चैप्टर में लगता है, हम वही क्वेश्चन बोलेंगे। दो क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन हम वही बोलेंगे जिससे हम आसानी से आपको समझा सकें और आपका दिमाग हमारे दिमाग से कनेक्ट हो सके। लिखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक कंपनी में कार्यरत सभी मेल कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 रुपया है। सभी फीमेल कर्मचारियों का औसत वेतन 4200 रुपया है। यदि कंपनी में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन पांच हजार रुपया है तो उस कंपनी में कितनी प्रतिशत महिलाएं कार्यरत हैं? ध्यान से देखिए दोस्तों, जो कंपनी में पुरुष कार्यरत हैं, पुरुष कर्मचारी हैं, 5200 रुपया है ना, 5200 रुपया कमाते हैं, मतलब हर 5200 का मतलब है हर पुरुष 5200 रुपया कमाता है, 5200 एवरेज है, कोई ज्यादा भी कमाता हो। महिला कर्मचारियों का औसत वेतन है 4200 है और सभी कर्मचारियों का जो औसत वेतन है, सभी मतलब पुरुष और महिला मिला करके, वो है आपका 5000। ठीक है, इधर का डिफरेंस इधर यानी कि ये आ जाएगा आपका कितना, 200। इसको रेशियो बनाएंगे तो 4:1 निकलेगा। दोस्तों पढ़ने का तरीका, दोस्तों ये एलिगेशन में हर जगह ये बदलेगा और हम एक एक क्वेश्चन अभी ट्रेनिंग क्लास में पढ़ा रहा हूं और जब एलिगेशन चैप्टर स्टार्ट होगा तो 2.5 दिन एलिगेशन चलेगा, घबराने की बात नहीं है। इसको पढ़ने का तरीका है कि पुरुष होंगे उस कंपनी में 4 तो महिलाओं की जनसंख्या होगी 1, तो टोटल जनसंख्या कितना हो गया, 5 हो गया, 4 और 1 5, पुरुष हैं 4 तो महिला हैं 1, तो महिलाओं का हिस्सा कितना है 1, तो महिलाओं का प्रतिशत कितना है 20%। ठीक है ना, यही आपका आंसर है। तो एक क्वेश्चन हमने मिश्रण से लिया, एक क्वेश्चन एलिगेशन से लिया, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग प्रतिशत से, फिर हम आगे लेते हैं। लिखिए, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 30,000 है। पुरुष की जनसंख्या में 4% तथा महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, 10% की वृद्धि होती है, जिससे शहर की पूरी जनसंख्या 31,800 हो जाती है। 31,800 हो जाती है, हो जाती है। उस शहर में स्त्रियों की संख्या तथा पुरुषों की संख्या अलग अलग बताएं। लिखिए दोस्तों, ये एलिगेशन हो सकता है कि आपको थोड़ा कम समझ में आए,
क्योंकि हम एलिगेशन को हम हर चैप्टर से एक एक झलक दिखला रहे हैं, ताकि आप जब चैप्टर्स को पढ़ें तो ये चैप्टर आपको रिवीजन जैसा अनुभव हो। ध्यान से देखिएगा, 30,000 की जनसंख्या है, 30,000 की जनसंख्या है, 30,000 में पुरुष भी हैं, पुरुष भी हैं, महिला भी हैं, और यही आपको पता करना है कि पुरुष कितना है और महिला कितना है। ये जनसंख्या में 4% इनका योगदान है, मतलब 4% पुरुषों की जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है, महिलाओं की जनसंख्या में 10% वृद्धि होती है। तो देखिए, पूरी शहर की जनसंख्या में क्या प्रतिशत बदलाव होता है, जनसंख्या हो जाती है 31,800। दोस्तों, ये जनसंख्या 31,000 से 31,800 हो गई है, तो जनसंख्या बढ़ी कितना है, बढ़ी है 1,800, और 1,800 30,000 का कितना प्रतिशत है, तो इसको काटिएगा, ये आएगा 6%, ठीक है ना, 6% आ जाएगा। ये जो 1,800 जनसंख्या बढ़ी है वो 30,000 का कितना परसेंट है, 6% है, तो यहां पे आप 6% लिख देंगे, ठीक है। अब इसको समझिए, पुरुष 30,000 में कुछ पुरुषों का हिस्सा है, 30,000 में कुछ महिलाओं का हिस्सा है, पुरुष बढ़ते हैं 4%, महिला बढ़ती है 10%, तो जो पुरुष और महिला टोटल पे फर्क पड़ता है वो 1,800 का फर्क पड़ता है, महिला और पुरुष का एवरेज 6% बढ़ता है, इधर का डिफरेंस 10 और 6 का डिफरेंस 4 और 6 और 4 का डिफरेंस 2। अब इसको पढ़ने का तरीका होगा कि 2 पुरुष के सामने पुरुष और महिला के सामने महिला, 2 पुरुष है तो 1 महिला है, टोटल जनसंख्या कितनी हो गई, 2:1=3 और 3=30,000, ये 1,000 10,000 गुना है। पुरुष होंगे, देखिए दोस्तों, पुरुषों के सामने पुरुषों की जनसंख्या आता है, महिलाओं की जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या आता है, सामने महिलाओं की, पुरुष हो जाएंगे 20,000 और महिला हो जाएंगी 10,000, यही आपका आंसर है, ठीक है, छाप लीजिए फटाफट। दोस्तों, थोड़ा इसको हम चेक करके बताते हैं कि आपका क्वेश्चन सही है। अब हम आंसर आपका ये है, हम चेक करते हैं, इसमें से निकालिए आप 4%, तो इसमें से 4% निकालेंगे, इसमें से 4% तो 1200 निकलेगा, इसमें से आप निकालिए, इसमें से आप निकालिए 10%, तो इसका 10% सॉरी इसमें से कितना निकालना था, 4% निकालना था, तो 4% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4% निकालेंगे तो 800 हो जाएगा, और इसमें से निकालिए 10% तो 1,000 हो जाएगा, तो दोनों मिलके 1,800 बनाया कि नहीं बनाया, तो हमारा क्वेश्चन सही है, ये समझाने के लिए बताया हमने। लिखिए, तो हमने 4 क्वेश्चन को देख लिया, हर चैप्टर के एक एक क्वेश्चन का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं हम नंबर सिस्टम का। लिखिए, एक परीक्षा में कुल 200 प्रश्न हैं, कुल 200 प्रश्न हैं, सही उत्तर के लिए, सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाता है, 4 अंक दिया जाता है, जबकि गलत उत्तर के लिए, जबकि गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है, 1 अंक काट लिया जाता है। एक विद्यार्थी ने सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर दिया, एक विद्यार्थी ने सारे के सारे प्रश्नों के जवाब दिया, और उसे 180 अंक ही प्राप्त हुए, और उसे 180 अंक ही प्राप्त हुए। उसने परीक्षा में कितना प्रश्न सही तथा कितना प्रश्न गलत किया, ये आपको बताना है, कितना प्रश्न सही
तथा कितना प्रश्न गलत किया, ये आपको बताना है। दोस्तों देखिए, ये नंबर सिस्टम का वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, हम पढ़ाते हैं। देखिएगा, 200 प्रश्न हैं, सारे के सारे सही कर देंगे तो आपके 800 अंक माने चाहिए। एक क्वेश्चन सही करने पर 4 अंक मिलता है। यदि सारे के सारे सही कर देते हैं तो आपके मार्क्स 800 आने चाहिए। यदि सारे के सारे गलत कर देंगे तो आपके मार्क्स 200 निगेटिव हो जाना चाहिए। ये निगेटिव, सॉरी, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव मिल करके सही और गलत मिल करके अभी जो विद्यार्थी को मार्क्स प्राप्त हुआ है 180 मिला है। यदि 180 अंक मिला है तो ध्यान से देखिए, इधर का डिफरेंस इधर करते हैं तो 620 होगा। दोस्तों ये माइनस में है और ये प्लस में है, ध्यान देने वाली बात है। माइनस और जो प्लस का डिफरेंस होता है वो 380 का होता है। माइनस 200 और प्लस 200, ध्यान से देखिए, ये संख्या रेखा है, जीरो है, इधर आप 200 माइनस में चल रहे हैं और इधर आप 180 प्लस में चल रहे हैं। तो यहां से जो गैप आया वो कितने का आया, 380 का आया। तो ये जो रेशियो निकलेगा 19:31। पढ़ने का तरीका, 19 क्वेश्चन वो सही करता है तो गलत क्वेश्चनों की संख्या 31 होगा, गलत उत्तरों की संख्या 31 होगी। यदि क्वेश्चन 50 होंगे 31 क्वेश्चन गलत होगा और 19 क्वेश्चन सही होगा। लेकिन क्वेश्चन की संख्या है कितना, क्वेश्चन की संख्या 50 नहीं है, क्वेश्चन की संख्या 200 है, ये 4 गुना है। तो इसको 4 गुना करिए, 76 क्वेश्चन वो सही किया है और 31 चौका 124 क्वेश्चन उसने गलत कर दिया है। यदि आप देखना चाहते हैं कि आंसर हमारा सही नहीं है या गलत है, मतलब आपको कंफ्यूजन हो, सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस हर चैप्टर में लिगेशन यूज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट को छोड़ दिया जाए तो हर चैप्टर में इसका यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यदि 76 क्वेश्चन सही कर देंगे और 4 अंक मिलेगा तो आपके मार्क्स होंगे कितना, 16 4 7 28 और 29, 296 मार्क्स हो जाएंगे। सॉरी 76 है नहीं, 4 6 24 4 7 28 और 2 30, आपके 304 मार्क्स हो जाएंगे पॉजिटिव। 124 क्वेश्चन गलत कर देंगे और एक अंक कटेगा तो 124 आपके क्या होगी, माइनस। 304 में से 124 घटाएंगे तो अभी भी आपके मार्क्स कितना है, 180 है। तो ये सब चीजें समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि आपका कोई कंफ्यूजन न रह जाए। बाकी हमारा आंसर 76 और 124 है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रेनिंग का टाइप नंबर 7, जिसमें हमने 5 क्वेश्चन का अध्ययन किया। 5 वैरायटी के क्वेश्चन थे, कोई एवरेज का था, कोई नंबर सिस्टम का था, कोई परसेंटेज का था, कोई मिश्रण का था। अब हम लोग जो क्वेश्चन लेने जा रहे हैं वो अलग चैप्टर से होगा, टाइम एंड डिस्टेंस से। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक आदमी 2000 किलोमीटर की दूरी का कुछ हिस्सा बस से तथा कुछ हिस्सा ट्रेन से तय करता है। बस की गति
बस की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा तथा ट्रेन की गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा पूरी यात्रा 18 घंटे में तय होता है। पूरी यात्रा 18 घंटे में तय होता है। तो बस द्वारा तय की गई दूरी तथा ट्रेन द्वारा चली गई दूरी बताएं। क्वेश्चन को एक बार और सुन लीजिए, मुझे लग रहा है मैं गलत बोला हूं। एक आदमी 2000 किलोमीटर की यात्रा का कुछ भाग बस के द्वारा तथा कुछ भाग ट्रेन के द्वारा तय करता है। बस की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रेन की गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा पूरी यात्रा 18 घंटे में तय करता है। तो बस द्वारा तथा ट्रेन द्वारा चली गई दूरियां बताएं। दोस्तों सबसे पहले तो ये क्वेश्चन को जान लीजिए कि हम एलिगेशन से ही बना रहे हैं, इसके बनाने के और भी तरीके होते हैं। एलिगेशन चूंकि हमारा ट्रेनिंग का टाइप है तो हम एलिगेशन से ही बना रहे हैं। इससे आसान मेथड भी होता है, आप ये मत कहिएगा कि इससे आसान मेथड आपके पास है। हम एलिगेशन ही सिखा रहे हैं, हर चैप्टर में कैसे कनेक्ट करना है वही चीजें हम बता रहे हैं। देखिए बस की गति है 72 किलोमीटर घंटा, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन की प्रकृति को समझ लीजिए, क्वेश्चन की प्रकृति क्या है। एक यात्रा है, बस से गए 72 की रफ्तार से, कितने घंटे चले ये बात आपको नहीं पता, घंटा इसका नहीं पता है। यहां तक आए, फिर आपने ट्रेन उठाया, क्या उठाया, ट्रेन जिसकी गति है 160 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन कितना घंटा चला, इतना चाल से कितना घंटा चला नहीं पता है। यहां आकर के आपने 2000 किलोमीटर तय कर लिया, 72 की रफ्तार से कितना घंटा चला, 160 की रफ्तार से कितने घंटे चले और यात्रा आपकी समाप्त हो गई। ये घंटा और ये घंटा 18 घंटा है। दोस्तों अभी हम सिर्फ एलिगेशन से बताएंगे, दूसरा नियम नहीं बताऊंगा। कैसे लगता है इस क्वेश्चन को समझिए, 72 की चाल बस है, बस की चाल 72 है, ट्रेन की चाल 160 है, और दोनों की जो एवरेज स्पीड है, जो 2000 तय किया गया है वो 18 घंटे में तय किया गया है, तो जो औसत चाल हुआ है 1000 बटे में 9 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ है एवरेज चाल। चाल और चाल इधर का डिफरेंस इधर और इधर का डिफरेंस इधर। दोस्तों ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 16,144, 1440 में से 1000 घटाएंगे तो 440 बटे में 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये 72 इंटू 9 में 1000 में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1000 बटे में 9 माइनस 72, 1000 में से 9 दुनी 18, 9 सात 63 और 1 64, ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 352 बटे में 9। समझ में आ रहा है, इधर का डिफरेंस हमने ले लिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 352 बटे में 9, ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, इसको आप 11 से काट लीजिए, ठीक है। 11 से कटेगा शायद, 11 से नहीं कटेगा क्या, ये कट जाएगा आपका 11 से 33 नहीं कट रही, कुछ ओवर तो नहीं होना, ठीक है। इसको आप काटिए, किसी की संख्या से कटेगा, 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इस ये 2 से काट लीजिए, 220 हो जाएगा, और इसको 2 से काटेंगे तो 2 कम 2, 2 9 18, 2 6 12, इसको फिर 4 से काट लीजिए, 4 से काटेंगे तो 4 5 20, 4 5 20, 4 6 16, 4 9 36, 4 6 16, 4 9 36। दोस्तों कुछ गलत हो रहा है, इतना नहीं आना चाहिए, ये 2000 बटे में 18,
यहाँ पे जो 2000 किलोमीटर की दूरी है 18 घंटे में तय हुआ है, तो इसको काट भी सकते हैं, 1000/9 भी आ सकता है, इसको 2000/9 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आएगा आपका डिफरेंसेस, इधर का डिफरेंस 16 अच्छा हमने 9 माने, 16 से 1440, ठीक है, इधर का डिफरेंस दोस्तों इसको करके देखिएगा, यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा, ये डिफरेंस जो आएगा ये 5:4 आएगा, 5:4 आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ मैं करूंगा तो टाइम लग जाएगा, इधर का डिफरेंस इधर कर दीजिएगा और इधर का डिफरेंस इधर कर दीजिएगा, उसको काटिएगा, 5:4 बन जाएगा। ये 5:4 समय का अनुपात है, क्या है, समय का अनुपात है, 5:4 समय का अनुपात है, ये हो गया 9 और 9 की वैल्यू दे रखा है 18 घंटा, ये 2 है, ये 10 घंटा लग जाएगा बस के द्वारा चली गई दूरी, पढ़ने का तरीका, बस द्वारा चले गए समय, ट्रेन द्वारा चला गया समय, तो ट्रेन द्वारा समय गया 8 घंटा, ठीक है। जैसे ही 8 घंटा और 10 घंटा आ जाता है आपकी दूरी निकल जाएगी, बस चलेगी 72 की चाल से 10 घंटा 720 किलोमीटर आ जाएगा, और 16 की चाल से आप 8 घंटा चलेंगे तो शुरुआत 1280 किलोमीटर आ जाएगा। चाल 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 तो ये समय का अनुपात निकलता है, चाल 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 तो ये समय का अनुपात निकलता है। दोस्तों इसको कर लीजिएगा, इधर का डिफरेंस इधर, इधर का डिफरेंस इधर, कट कर लीजिएगा, 5:4 समय का अनुपात आएगा। ये आएगा बस द्वारा चला गया समय, तो ये आएगा ट्रेन द्वारा लगाया समय, ट्रेन द्वारा लगाया समय 4 है, तो बस द्वारा लगाया समय 5 है। तो दोस्तों अभी हमने 6 क्वेश्चन किया और 6 वैरायटी से किया, एक परसेंटेज से उठाया, एक हमने मिश्रण से उठाया, एक वर्ड प्रॉब्लम से उठाया, एक ट्रेन से उठाया। तो आप अब समझ में आ गया होगा कि एलिगेशन का बहुत बड़ा रोल है और हर चैप्टर में रोल है। तो अगली वीडियो में हम 5-7 क्वेश्चन और कराएंगे और इस एलिगेशन को ख़त्म करेंगे। एलिगेशन को ख़त्म होने के बाद हम प्रतिशत चैप्टर से शुरुआत करेंगे, सिलेबस आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं से, परसेंटेज पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे और इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आप कुछ भी कहते रह जाएंगे, ये पढ़ाइए वो पढ़ाइए, मैं कुछ भी सुनने वाला नहीं हूँ, मैं पढ़ाऊंगा सिर्फ अपने हिसाब से, जिससे कि कमज़ोर से कमज़ोर छात्रों को भी मैथ पढ़ने में सहूलियत हो, मिले और बोरिंग ना हो। बहुत सारे टीचर लोग हैं जो हर चैप्टर आप लोग पढ़ सकते हैं, हम आपको शुरू से लेकर के एडवांस तक पढ़ाएंगे। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आइए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।